श्री कृष्णाय वयम नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं अंगद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ज्ञान विचार चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से आचार विचार हैं, व्यवहार हैं, बहुत से प्रश्न हैं। कहते हैं न, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसी तरह प्रश्न भी अनंत हैं। हर प्रश्न का उत्तर देना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जो वस्तु जितनी खूबसूरत होती है उतना ही खतरनाक होती है। इसलिए कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ होते हुए भी अपने घर, मकान, भवन में नहीं रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग जो है घूमने फिरने, सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं, विहंगम दृश्य और विहंगम जो है भवन, मकान और तरह तरह के जो है मंदिरों का, गिरजाघर, गुरुद्वारे का फ़ोटो वोटो लगा कर खींच करके लाते हैं या अपने घर में लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये एक यादगार दृश्य है, क्योंकि ये जो दृष्टि देखती है वही हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसी दृष्टि होगी आपकी सृष्टि भी वैसे ही रचेगी। कहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो हमारे मन में भी एक भाव उत्पन्न होता है, प्रेम का या वात्सल्य का, करुणा का, कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो, एक होता है ना। हमारा मन यूं ही झुक जाता है, सर यूं ही झुक जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग जाते हैं ताजमहल का दीदार करने। बड़ा भव्य इमारत है, अजूबा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सातवें अजूबा को अपने घर में, अपने ऑफिस में कभी भी इसकी फोटो नहीं लगानी चाहिए। बड़ी भव्य इमारत है, बड़ी सुंदर है, लेकिन फिर भी अपने शयन कक्ष या अपने मकान के अंदर, किसी भी डाइनिंग रूम, कहीं कहीं पर भी ताजमहल की फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ताजमहल एक कब्रगाह का रूप अंकित करता है। इसके बाद कभी भी घर के अंदर हिंसक जंगली जानवरों का, बहुत से लोग होते हैं वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफी करते हैं, उनका एक पेशा है वो करने का, लेकिन अमूमन घरों में कभी भी हिंसात्मक जानवरों की फोटो अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो घर अस्त व्यस्त, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगती है और वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि उस हिंसात्मक जानवर को देखने से हमारे मन की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि दृष्टि का बहुत बड़ा असर पड़ता है। सर्वप्रथम हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखने के बाद उसके गुणों का अनुसरण करते हैं, ये क्या है। देखने से ही हमारी अंतर मन में जानकारी, एक जिज्ञासा होती है, ये क्या है, कैसा है, इसका काम क्या है, तरह तरह के। जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हमारे मनोवृत्ति पर ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। और तीसरी चीज है नटराज की मूर्ति, विहंगम दृश्य, तांडव वाले दृश्य। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये तांडव रूप घर में तांडव पैदा करता है, अस्त व्यस्त पैदा करता है,
नकारात्मकता पैदा करता है। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपका घर सुख समृद्धि और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा और आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। ये बातें बहुत छोटी हैं कहने में, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है कि इन दृष्टि से ही आप अपनी सृष्टि को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी औरों को भी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।